Hello, welcome back to Educational Hikes, Class 8, Chapter Number 1, History, How, When and Where. How important are dates? Dates kitni important? Tariq, din, dinak, kuch bhi keh lijiye aap. There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. हिस्टोरियंस डेट्स को लेकर कुछ ज़्यादा ही फैसिनेटेड थे एक्चुअली, क्योंकि ये डिबेट ही रहता था कि कब कौन सा राजा जीता है, कौन सी उसने लड़ाई लड़ी है. तो इसके लिए डेट्स का होना बहुत ज़रूरी है. और कॉमनली हम ये भी कह रहे थे कि हिस्ट्री इक्वल्स टू डेट, हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स. और आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि हिस्ट्री इज़ सच अ बोरिंग सब्जेक्ट. हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ डेट्स याद करनी पड़ती और कुछ भी याद नहीं करना पड़ता. क्या ये कंसेप्शन ट्रू है? क्या ये बात सही है? अब हम देखेंगे. ये ट्रू नहीं है. क्यों नहीं है ट्रू? बिकॉज नेक्स्ट लाइन में आंसर है. आपको बीच में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे विद क्वेश्चन मार्क, इन सभी का आंसर आपको नेक्स्ट लाइन्स में मिल ही जाएगा. हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस डैट अकर ओवर टाइम. हिस्ट्री है चेंजेस डैट अकर ओवर टाइम. टाइम के रहते क्या क्या चेंजेस हुए हैं, विद द टाइम क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इन सबको आप हिस्ट्री से ही पढ़ते हैं. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. कैसी कोई भी चीज़ पहले थी, पास्ट में थी और अब कैसे चेंज हो गई है, इन सभी को आप हिस्ट्री से पढ़ते हैं, हिस्ट्री से रिलेट करते हैं. एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम. और जब भी हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, हम टाइम को रेफर करते हैं, हम बिफोर और आफ्टर की बात करते हैं. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन. और आम जिंदगी में हम कभी क्वेश्चन करते ही नहीं है, हिस्टोरिकल क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं. हम सोचते हैं जैसा हम आज देख रहे हैं वैसे ही बहुत पहले से चलता आ रहा है. लेकिन हम में भी कुछ ऐसे क्यूरियस माइंड्स हैं, उत्सुकता से भरे हुए माइंड, जो ये क्वेश्चन करते हैं. कभी कभी उन्होंने नुक्कड़ पे रोड साइड पे चाय की दुकान देखी तो चाय पीते हुए सोचा कि अरे कब स्टार्ट हुआ होगा इंडिया में चाय पीना, या हमारे घर में कब स्टार्ट हुआ होगा चाय पीना, क्या शुरू से ही हम चाय पीते थे. कभी कभी आपने देखा होगा कि ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त कि रेलवे कब बना होगा और रेलवे से पहले लोग कैसे ट्रैवल करते थे. तो ये सारी चीज़ें आपने सोची हो सकती है. ओके, ये पैराग्राफ आप देखेंगे, हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, बच्चे अपने दिमाग में जो सोचते हैं वही. अब आप पिक्चर देखिए, पिक्चर को कई बार आ जाता है एक्सप्लेन द पिक्चर करके. तो पिक्चर में आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है. फिगर वन क्या कह रहा है? ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया फ्रंटिसपीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय जेम्स फ्रेनल 1782. ब्राह्मण यहाँ शास्त्रार्थ दे रहे हैं ब्रिटानिया को. ब्रिटानिया इज नॉट द बिस्किट कंपनी हियर. ब्रिटानिया यहाँ ब्रिटिश जो समाज था उसको संबोधित करने के लिए. रेनल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लिफ टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान, एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट ऑफ इंडिया. रेनल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन. रेनल को रॉबर्ट क्लेव ने बोला था हिंदुस्तान का मैप बनाने के लिए, और रेनल जो था एक एंथुसियास्टिक सपोर्टर था ब्रिटिश का. ओके, वो चाहता था कि ब्रिटिश इंडिया को जीत ले. रेनल ने ये सोचा कि मैप्स बहुत ज़रूरी है किसी पे भी डोमिनेशन करने के लिए. ओके, क्वेश्चन आ जाता है बच्चे कभी कभी, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखेंगे. द पिक्चर हेयर ट्राइज टू सजेस्ट डेट इंडियंस विलिंगली गेव ओवर their ancient text to Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture. यहाँ जो picture दिख रही है ये suggest करती है कि Indians अपनी खुशी से अपने ancient text, जो प्राचीन उनके पास जो भी शास्त्र वगैरह थे, वो ब्रिटानिया को दे रहे हैं. यहाँ देखो बहुत अच्छे से बताया है, ब्रिटानिया सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर. और हम उनसे बोल रहे हैं, इंडियंस उनसे बोल रहे हैं, ब्रिटिश ब्रिटानिया से, कि आप प्रोटेक्टर बन जाइए इंडियन कल्चर के, क्योंकि हमने आपको अपना प्राचीन शास्त्र दे दिया. ओके, क्लियर?
ये सारे जो आपने अभी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पढ़े हैं कि चाय कब स्टार्ट हुई थी, ये सारे जो भी आपके माइंड में हिस्टोरिकल क्वेश्चन आए कि रीडिंग न्यूज़पेपर से पहले भी कुछ था तो क्या था, ये सब कुछ जो आए ये सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चन बैक टू द नोशन ऑफ टाइम, ये सब कुछ टाइम से रिलेटेड है। ओके, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पार्टिकुलर ईयर और अ मंथ। प्रिसाइजली मतलब बिल्कुल सटीक, जिसे हम कहते हैं टाइम हमेशा पर्टिकुलर ईयर और मंथ के टर्म्स में नहीं था। समटाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस डेट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और कभी कभार किसी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हुआ है उसको डेट्स के अकॉर्डिंग सेट करना वो भी गलत ही था। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन, अब आप यहाँ देखिए बहुत अच्छी लाइन है कि लोग जो इंडिया के हैं उन्होंने कभी भी शुरुआत से, मतलब एक दिन अचानक से टी नहीं पी ली, मतलब अचानक से आई चाय पी और मस्त लगी हमें और हमने स्टार्ट कर दी, इसके लिए हमने डेवलप किया टेस्ट। ओके, अब कोई भी चीज़ हम नई ट्राई करते हैं तो नई चीज़ ट्राई करने में ज़रूरी नहीं है कि हमें अच्छी लगे, बेकार भी लग सकती है, तो कईयों को अच्छी लगी होगी कईयों को बेकार लगी होगी। तो डेवलप द टेस्ट फॉर इट ओवर अ टाइम, देर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस, और इसके लिए तो कोई डेट हो ही नहीं सकती और है भी नहीं। ऐसे हम कोई एक सिंगल डेट फिक्स नहीं कर सकते कि ब्रिटिश रूल कब इस्टेब्लिश हुआ और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक प्लेस, तो ये जो भी चीज़ें हैं इकनॉमी एंड सोसाइटी, इन सब के लिए कोई डेट फिक्स नहीं है और हम कर भी नहीं सकते, एक सिंगल डेट फिक्स नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस कहेंगे ये डेट तो कुछ हिस्टोरियंस कहेंगे वो डेट। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एन अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। ओके, हम एक पर्टिकुलर डेट नहीं कर सकते लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट पीरियड हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस पीरियड में ये सब हुआ होगा। तो अब ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा है कि व्हाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, तो हम क्यों डेट्स को हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न, इसका एक रीज़न है, देर वॉज अ टाइम वेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। एक टाइम हुआ करता था जब हिस्ट्री अकाउंट ऑफ बैटल्स और बिग इवेंट्स बन के रह गई थी, इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, रूलर्स और उनकी पॉलिसीज थी। हिस्टोरियंस रॉट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड, हिस्टोरियंस इतिहासकार भी कुछ नहीं करते थे, ओ सॉरी, किंग के बारे में लिखते थे कि किंग कब किंग बना है, किस साल में उसकी शादी हुई है, कौन से साल में उसके बच्चे हुए हैं, कब उसने लड़ाई लड़ी लड़ी है, यही सब कुछ ये करते थे। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स, आपने देखा होगा पास्ट 2 ईयर्स की बुक्स में कि हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इशू एंड अदर क्वेश्चंस, दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर आर लाइवलीहुड, व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, हाउ सिटीज डेवलप्ड एंड मार्केट्स केम अप, हाउ किंगडम्स वर फॉर्म एंड न्यू आइडिया स्प्रेड एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज। आपने ये सब कुछ अपनी लास्ट की 2 ईयर्स बुक्स में ऑब्जर्व किया होगा, आई होप कि पढ़ा भी होगा। अब ये है विच डेट्स, कौन सी डेट्स। उससे पहले बच्चा आप ये पिक्चर देखिए, ये एक एडवर्टीजमेंट है लिप्टन्स टी की, लिप्टन ग्रीन टी वगैरह जो है, ओके, बट ये पास्ट की हैं। इसमें जब आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। ओके, यहाँ देखिए एडवर्टीजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट। कई बार ऐसा ही होता है कि एडवर्टीजमेंट किसी भी टेस्ट को क्रिएट करता है, जो चीज़ एडवर्टीजमेंट का में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है हम लोग उसको एक ट्राई देते हैं। ओके, ओल्ड एडवर्टीजमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज। दिस 1922 एडवर्टीजमेंट फॉर लिप्टन टी सजेस्ट डेट रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद दिस टी। In the background, you see the outer wall of an Indian palace, while in the foreground, seated on horseback, is the third son of Queen Victoria of Britain, Prince Arthur, who was given the title Duke of Connaught. Okay, बच्चे देखिए कि ये एडवर्टीजमेंट जब आपने देखी होगी तो उस एडवर्टीजमेंट को ये एक बता रहा है कि रॉयल टेस्ट, ओके, रॉयल टेस्ट की, रॉयल टेस्ट जो है वो रिलेटेड है लिप्टन टी से। रॉयल टेस्ट किससे रिलेटेड है, लिप्टन टी से।
और हम ये भी कह सकते हैं कि लिप्टन टिको रॉयल जो लोग हैं वही पीते थे या उन्हें पीनी चाहिए। अब तो हम क्या देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट से टेस्ट क्रिएट हो रहा है, चाहे कोई पीना चाहता हो या ना पीना चाहता हो, लेकिन अपना एक स्टेटस बनाने के लिए वो एक ट्राई तो ज़रूर देगा इसे। और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं इंडियन पैलेस है, और आगे जो है घोड़े पर बैठा हुआ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन का तीसरा बेटा है, जिसका नाम है प्रिंस आर्थर, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ड्यूक ऑफ कर्नाट, जिसको टाइटल दिया था ड्यूक ऑफ कर्नाट। क्वेश्चन आ जाएगा ड्यूक ऑफ कर्नाट कौन, तो प्रिंस आर्थर। प्रिंस आर्थर कौन, थर्ड सन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन। ओके, एडवर्टीजमेंट कैसे क्रिएट करती है टेस्ट को, तो जब भी हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं किसी चीज़ का तो हम एक ट्राई देना चाहते हैं। ओके, लाइक मैकडोनल्ड्स के पिज्ज़ा वगैरह। ओके, बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया, वेरी गुड। विच डेट्स, बाय वट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट। अब देखिए बच्चे कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी डेट्स को हम सिलेक्ट करें। द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ऑन, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। हम एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट, पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स को इम्पॉर्टेंट समझते हैं, डेट्स वाई हमें पता चलता है कि कौन सी डेट में कौन सा वाइटल प्रोसेस है। ओके, कौन सी वाइटल चीज़ है ज़रूरी। ओके, इफ़ आर फोकस ऑफ अ स्टडी चेंजेस, और जैसे ही हमारा फोकस चेंज हो जाएगा तो हम न्यू इश्यू पे जाएंगे, और न्यू इश्यू पे जब जाएंगे तो एक नई डेट्स मिलेंगी। ओके, अब जैसे यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट, हर गवर्नर जनरल का रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। तो गवर्नर जनरल जो आपके थे वो वॉरेन हास्टिंग से स्टार्ट हुए थे, वॉरेन हास्टिंग, और एंड हुए थे लॉर्ड माउंट बैटन पे। ओके, लास्ट वाइसरी लॉर्ड माउंट बैटन। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, अलग अलग चैप्टर्स में हम इनकी बात पढ़ेंगे, इनकी जो भी इन्होंने काम किए। और ये देखिए बच्चे, इनाम दे रखे हैं हेस्टिंग, वेलेस्ली, बैंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। अच्छा, ये आएगा नहीं कभी भी आपको, पूरा ऑर्डर में नाम लेना नहीं आएगा, एक आपको फर्स्ट नाम पता होना चाहिए वॉरेन हेस्टिंग, और लास्ट जो है लॉर्ड वाइसरी लॉर्ड माउंट बैटन। ओके, ये दो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसरी, ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स आर लिंक टू दीज पर्सनैलिटीज, टू देयर एक्टिविटीज, अचीवमेंट, ये सब कुछ पढ़ा जाएगा अगर हम इस पोर्शन को देखते हैं। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ डेट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। और जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि जब हम सारे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे तो इन्हीं के बारे में, इनके अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि इनसे बाहर तो कोई दुनिया है ही नहीं। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हर किसी का अलग अलग चैप्टर, अलग अलग चैप्टर मतलब हर किसी के टाइम पर अलग अलग अचीवमेंट्स हुई वो सब कुछ। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन ए डिफरेंट वे, हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल वेन। ओके बच्चे, अब आपको देखना है कि क्या हम इस पीरियड को अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं, हम कैसे देखेंगे, हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स। जब हम हिस्ट्री लिखते हैं या फिर स्टोरी लिखते हैं तो हम किसी को भी चीज़ को चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। वाई डू वी डू दिस, इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हर चैप्टर को अपनी अपनी इंपॉर्टेंस मिल सके, हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक हो सके। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे डेट मेक सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। ये इसलिए किया जाता है ताकि एक स्टोरी बन सके और एक सम सेंस बन सके, आप भी लिंक करते हुए चलेंगे। इन दिस प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स डेट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग इन द हिस्ट्रीज डेट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल। द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस। वट देन वी डू, क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। मीन्स यही कह रहा है कि जब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करेंगे तो हमें अलग तरीके से स्टोरी लेकर चलनी पड़ेगी, हम दूसरे फॉर्मेट पे चले जाते हैं तो हमें दूसरा फॉर्मेट लेना पड़ेगा। ओके,
और देखिए हम डिवाइड क्यों करते हैं चैप्टर्स में, ताकि हम स्टोरी को समझ सके। इट इज सम लाइक सेम कि हम चैप्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझ सके। हाउ डू वी पीरियडाइज, ओके। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है नाम, और इनका क्वेश्चन भी है, आप पीछे एक्सरसाइज में देखेंगे। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, जिन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को किस 3 पीरियड्स में डिवाइड करा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। क्वेश्चन आ जाता है कितने पीरियड्स में डिवाइड करा, ट्रू फॉल्स में आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, जेम्स मिल ने कैसे डिवाइड करा, या क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ जाता है कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को ब्रिटिश की फॉर्म में डिवाइड करने वाला कौन था, तो जेम्स मिल था। नाउ नेक्स्ट जो है आपका वो ये है कि ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, नॉट हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। ओके, कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग आउट एट इंडियन हिस्ट्री? व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइम। क्यों डिवाइड करते हैं हम? ताकि हम उस टाइम की जो भी करेक्टरिस्टिक है, उस टाइम का जो सेंट्रल फीचर है, उसको ढंग से पढ़ सकें। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स, बिकम इम्पॉर्टेंट। दे रिफ्लेक्ट आर आइडियाज अबाउट द पास्ट, दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। हम कैसे इम्पॉर्टेंस देख सकते हैं एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मिल, अब देखिए, मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। मतलब ब्रिटिश फर्स्ट पॉइंट है उनका, और बाकी सब उनसे लोअर है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग, ये इसका एक डीमेरिट है, इसका जो इसने तरीका यूज़ किया था उसका डीमेरिट है। क्वेश्चन आ जाता है कि डीमेरिट क्या था, तो डीमेरिट यही है, डीमेरिट डिसएडवांटेज कहते हैं हम। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट्स रूल्ड द कंट्री, रिलीजियंस इंटॉलरेंस, कास्ट अब्यूज एंड सुपरस्टिशन प्रैक्टिस डोमिनेटेड। मतलब जितने भी आप बैड पॉइंट समझ सकते हैं वो सारे कुछ है इसमें। ब्रिटिश रूल, मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। मिल ने ये सोचा कि ब्रिटिश रूल अगर इंडिया में आएगा तो हमें सभ्य बनाएगा, इंडिया वालों को सभ्य बनाएगा। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस, और अगर ऐसा करना है, इंडिया को सिविलाइज बनाना है, तो हमें यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन, लॉज को इंडिया में इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मिल इनफैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कंक्रू ऑल द टेरिटरीज, और मिल ने ही सजेस्ट किया ब्रिटिश को कि सारी जो भी टेरिटरीज है इंडिया में, सबको कंक्लूड कर लीजिए, ताकि इंडियन पीपल का भला हो सके, वो खुश रह सके, इंडियन पीपल खुश रह सके। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। मिल, जेम्स मिल ये सोचता था कि ब्रिटिश, अंग्रेजों की हेल्प के बिना इंडिया कैपेबल नहीं है प्रोग्रेस के लिए। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस, कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टूडे। अब ये कह रहा है कि इस टाइप में क्या था, ये जो डिवाइड करा, पीरियडाइजेशन करा जेम्स मिल ने, उसमें ये कहा गया कि ब्रिटिश रूल के पास सारी पावर थी कि प्रोग्रेस कर सके, सिविलाइज कर सके, और ब्रिटिश रूल से पहले हर तरफ अंधेरा, मतलब कुछ होता ही नहीं था, कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, ये सब कुछ वो सोचता था, और उसकी जो बुक थी उसमें यही सब मेंशन था। इन एनी केस, कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? क्या कोई केस है ऐसा जिसमें आप पार्टिकुलरली हिंदू और मुस्लिम कर सकते? नहीं कर सकते। डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स? क्या कभी इन पीरियड्स में कोई और, आपको कोई और रिलीजन्स नहीं मिला, कोई और फेथ नहीं मिला? वाई शुड वी करेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम? और कभी भी हम क्यों करेक्टराइज करते हैं वहाँ का जो रूलर है, उस टाइम का जो रूलर है, उसके अकॉर्डिंग क्यों करेक्टराइज करते हैं? टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर। और अगर ऐसा हम करते हैं तो इसका ये मतलब है कि उस टाइम पे राजा की ज़िंदगी इक्वल्स टू ओके, और लोगों की ज़िंदगी से कोई मैटर ही नहीं है। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर डेट इवन रूलर्स इन एंशियंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। और हम ये भी
मानते हैं कि एंशियंट जो रूलर्स थे उनको भी कभी ऐसा नहीं लगा, उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हमारी ज़िंदगी ही इम्पॉर्टेंट है और बाकी लोगों की ज़रूरी नहीं है, या हमारी ही अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट है बाकियों के नहीं है. मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस ने